हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही नए तरीके से और ढेर सारे लच्छों वाले बंगाल का प्रसिद्ध पिटाई पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से। तो इस पराठे को चने के दाल के साथ, दम आलू के साथ या फिर छोले के साथ इसे सर्व किया जाता है बंगाल में। तो बहुत ही आसान तरीका मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल कुकिंग विद बबीता पर। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज और मेहनत जरा भी पसंद आती हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा पाए। और दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जाकर अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर सबसे पहले मिले। आइए आज की रेसिपी शेयर कर। पिटाई पराठा या फिर लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया हुआ है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 kg मैदा लिया हुआ है। इसमें मैंने 1/2 tablespoon डाला है चीनी, 1/2 tablespoon डाला है इसमें नमक, और डालेंगे इसमें 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर। सभी चीज़ों को ड्राई मिक्स कर लेंगे एक बार। तो सभी इन्ग्रीडियंट्स को हमने ड्राई मिक्स कर लिया है। इसमें डालेंगे 2 tablespoon जितना कुकिंग ऑयल, अब चलिए एक बार फिर से हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरीके से मसलते हुए बहुत ही अच्छा एक सॉफ्ट डो लग गया है, देख सकते हैं। इस तरीके का डो लगना चाहिए, अच्छी तरीके से डो को मसल करके सॉफ्ट कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो डो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मक्खन जैसा लग गया है, इसे रेस्ट पर छोड़ेंगे 15 मिनट के लिए। कम से कम 15 मिनट के लिए इसे हमने रेस्ट पर छोड़ दिया था, और यहाँ पर देख सकते हैं डो रेस्ट कर चुका है। एक बार फिर से मसल लेंगे और इसके हम पेड़े काट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोटी के डबल साइज का यहाँ पर पेड़ा हमने लिया हुआ है। तो किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ करके इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हम इसे बेलेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना इसे पतला बेल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर तरफ से एक बराबर हमने बेल लिया है, और इस तरीके से नाइफ की मदद से हमने कट लगा लिया है। अब अच्छी तरीके से इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे चारों तरफ से, थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, इससे जो लेयर्स है अच्छी तरीके से खुल कर आएंगे। तो मैदा हमने डस्ट कर लिया है। अब ध्यान से देखिए, जो कट हमने लगाया था इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमें इसे फोल्ड करना है। तो 2 बार हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें इस तरीके से टाइटली रोल कर लेना है। इसे आप कहीं भी सुबह का नाश्ता हो, रात का डिनर हो, बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, और इस तरीके से एक बार पेड़े आप बना लेंगे तो कभी भी आप इसके पराठे बना सकते हैं। तो ये लीजिए, पराठे के लिए एक पेड़ा बनकर तैयार है, इसे रखते हैं साइड में। तो दूसरे पराठे के लिए भी इस तरीके से हम पेड़ा तैयार कर लेते हैं। तो ये वाला लच्छा पराठा बनाने के लिए पहले से आप ये तैयारी करके रख लीजिए, और इस पराठे के पेड़े बना कर रख लीजिए, और जब भी पराठा बनाना हो तो गर्मा गर्म फटाफट से बनाइए और एन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद इसे रोल कर लेंगे, और इस तरीके से पुश करते हुए हम एक पेड़ा तैयार कर लेंगे, देखिए। और बंगाल में इसे पिटाई पराठा के नाम से जाना जाता है, आप लोग इसे लच्छा पराठा के नाम से भी जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 पेड़ा हमने तैयार कर लिया है, और बाकी के पेड़े भी हम तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हमने रख देना है साइड में। तो इसे 5 मिनट के लिए हम फिर से रेस्ट पर छोड़ देते हैं। पाँच मिनट हो गया है, अब चलिए इसे बेलते हैं और पराठा बनाते हैं। इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा फैला करके इसे हम बेलेंगे, देखिए। इस तरीके से खींचते हुए हमें इसे बेलना है। आप इसे घी या तेल किसी भी चीज़ के साथ सेक सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल से सेक रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं
बहुत ही क्रिस्पी ऊपर का लेयर और अंदर से सॉफ्ट आपको दिखाएंगे बन जाने के बाद। तो पराठा सीख कर तैयार है और इसे इस तरीके से हमें पीटना होगा, क्योंकि इसका नाम ही है पिटाई पराठा, तो इस तरीके से हमें इसे पीटना होगा। देखिए, तोड़ लेना होगा। इससे क्या होगा, जितने इसके लच्छे हैं सब खुल कर निकलेंगे और ये देख सकते हैं ढेरों सारे लच्छे, और अंदर से कितना सॉफ्ट है, वाइट है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बंगाल में इस पराठे को पीट कर बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पिटाई पराठा है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना यह सॉफ्ट है, और गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही इसका कुछ और है। तो यहाँ पर मैं इसे दम आलू के साथ एंजॉय कर रही हूँ, आप इसे चने के दाल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सभी को हमारी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे नए रेसिपीज़ देखने के लिए।